हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय डियर चैनल आशा बड़ी खीर पर। मैं हूँ सीमा, आप लोग के साथ मैं अपने चैनल पर कर रही हूँ अपनी हेयर ग्रोथ सीरीज़, जो आप लोग के लिए मैं लेकर आ रही हूँ अपनी एक्चुअल हेयर केयर रूटीन, जिसमें मैं आप लोग के साथ में आज बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी, दीदी मैंने आपका रोजमेरी हेयर टोनर यूज़ किया काफ़ी अच्छा है, इसका ऑयल भी शेयर कर दीजिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 15 दिन के लिए हम ये ऑयल बनाकर हम भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम मेरा जो ऑयल है हर 15 दिन पे चेंज होता है। ठीक है, तो मैं आप लोग के साथ में आज जो ऑयल शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा नए तरीके से है। ये ऑयल एक मेंबर को मैंने सजेस्ट किया था और उन्होंने यूज़ किया था बना करके, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। आप लोग के साथ में जो मैं चीज़ शेयर कर रही हूँ आप लोग उसको बना करके यूज़ कीजिए, आप लोग को 90 दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं 15 डेज पे अपना तेल जो है ना चेंज कर देती हूँ, आप चाहें तो उसको 90 दिन कर सकते हैं, 1 साल भी कर सकते हैं, 1 महीने भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। क्योंकि देखिए मुझे वीडियोज़ बनाकर आप लोग के साथ में शेयर करनी होती हैं, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तेल को बना करके वेस्ट करूँ फेंकूँ, क्योंकि हम लोग जो तेल बनाते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम ऐड करते हैं जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है और काफ़ी कॉस्टली होती हैं वो चीज़ें। तो आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ में रोजमेरी का जो हेयर ऑयल है, थोड़ा सा न्यू वे में, थोड़ा सा न्यू टच में, क्योंकि ना इसको मैंने यूज़ किया था ऑयल बनाकर नहीं यूज़ किया था, मैंने इसको एज अ टोनर बना करके यूज़ किया था। इससे ना छोटे छोटे बेबी हेयर भी आए हैं और जो ब्रॉड हेयर लाइन है थोड़ी सी अच्छे से फिल हुई है, और जो मैम का रिस्पॉन्स है वो तो आप लोग के साथ में मैं शेयर कर ही रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इस ऑयल को कैसे बनाना है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, आप चाहें तो हमारे चैनल से मेंबरशिप ज्वाइन करके अपने हेयर की प्रॉब्लम्स को अपने एज के अकॉर्डिंग और अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करके रेमेडीज ले सकते हैं। उसमें हम आपके बालों के अकॉर्डिंग 1 महीने की रेमेडीज देते हैं, जैसे आपका ऑयल है, पैक है, टोनर है, टॉनिक है, रिंस वाटर है, शैम्पू है, ये सारी चीज़ें उसमें आपकी इंक्लूड होती हैं। आप चाहें तो वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं जो कि आपकी होती है 799 रुपीज़ की। ये आपकी जो वीडियो कंसल्टेशन होती है इसमें हम आपको 4 रेमेडीज बताते हैं, ठीक है। मेंबरशिप और वीडियो कंसल्टेशन दोनों ही डिफरेंस है। मेंबरशिप में हम आपको पूरे 1 महीने की रेमेडी बताते हैं, और हम आपको जो वीडियो कंसल्टेशन है उसमें आपके बालों की समस्या को देखकर सिर्फ 4 रेमेडी बताते हैं। अगर आपको उन 4 रेमेडी से फर्क लगता है तो आप 1 मंथ की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे कस्टमर हैं जिन्होंने बात करने के बाद से, वीडियो कंसल्टेशन करने के बाद से अपना प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, क्योंकि आजकल के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, बिजी लाइफ में कोई वर्किंग है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बनाने का टाइम नहीं है, तो इसलिए लोग मेरे कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट भी परचेज कर रहे हैं। जो लोग हाउसवाइफ हैं, जो लोग घर पे चीज़ें रह करके कर रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो मैं घर पे चीज़ें करती हूँ, तो अगर मुझे कहीं जाना होता तो मैं अपने कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट लेकर के जाती हूँ अपने बालों के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग के साथ में जो भी चीज़ मैं शेयर करती हूँ वो एक नॉर्मल तरीके से शेयर की जाती है कि वो सभी को सूट हो, सभी लोग उसको परचेज करके बना करके यूज़ कर सकें। बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होंगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग के डिमांड पर मैं अपनी एक्चुअल हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो कंसल्टेशन में मैं आपको 4 रेमेडीज बताती हूँ। मेंबरशिप आपकी होती है 1599 की, वीडियो कंसल्टेशन जो होती है आपकी होती है 799 की, 800 रुपये की, ठीक है। तो वीडियो कंसल्टेशन में 4 रेमेडीज हो गई, आपका ऑयल होता है, शैम्पू होता है, टोनर होता है और एक हेयर पैक होता है। और जो मेंबरशिप होती है प्रीमियम मेंबरशिप, उसमें हम आपको आपके बालों के अकॉर्डिंग 8 रेमेडीज बताते हैं। आपका ऑयल हो गया, पैक हो गया, टोनर हो गया, रिंस वाटर हो गया, शैम्पू हो गया, नाइट हेयर पैक हो गया, टॉनिक हो गया, एज के अकॉर्डिंग होता है, जो कि आपका हर महीने चेंज भी होता है। जब आप अपने बालों को हर एक चीज़ को चेंज कर करके डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें दोगे तो आपके बाल बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर ये समस्या कि दीदी क्या हम आपकी रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हैं और छोड़ दें तो क्या हमारे बाल फिर वैसे ही हो जाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। ये आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? इसलिए नहीं बताएगा कि वो आपकी रेमेडीज़ फॉलो ना करें, क्योंकि आपने रेमेडीज़ फॉलो करी, आपके बाल अच्छे हो गए, आपके बाल मोटे, घने, लंबे हो गए, और फिर आप उसको अगर छोड़ देते तो आपके बाल फिर से वैसे ही हो जाएंगे। वो इसलिए हो जाएंगे, आपने उनको न्यूट्रिशंस वाली चीज़ दी और आपके बालों ने उसको एक्सेप्ट किया और आपके बाल जो है लंबे, घने, मोटे हुए उसी चीज़ से। फिर आप उसी चीज़ को छोड़ देंगे तो आपके बॉडी पर, आपके बालों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके बाल खराब होंगे ना। तो हमें कोई भी चीज़ को छोड़नी नहीं है। जैसे हम खाना नहीं छोड़ सकते, बहुत सारे लोगों की आदत होती है चावल, मेरा फेवरेट है चावल, किनका किनका फेवरेट है ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जो चावल है ना हम नहीं छोड़ सकते, तो हमें ऐसे ही अपने बालों की जो केयर होती है वो करनी होती है। अब लाडो देखो चिल्लाने लगी, क्या हो गया, क्या हो गया, देखो ऐसे लाडो परेशान करती है। कृष्णा गया है ट्यूशन, शिया कोई लाडो के ना दांत आ रहे, पता नहीं क्यों अभी से दांत आ रहे, इसलिए ना ऐसे करती रहती। लाडो
देखो लाडो के भी ना यहाँ पर बाल नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ पर नहीं है, है ना। इनका भी ट्रीटमेंट मैं करूँगी, आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। देखो यहाँ पे भी नहीं है, इसका भी मैं ना ऑयल चेंज करती रहती हूँ। मैंने 1 मंथ का ऑयल बनाया हुआ है लाडो का, तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी बाद में। लाडो शे हाय कर दो जबकि। हाँ एक कान तो बीता मिला छोटा सा बीता। चलो लाडो अब यहाँ पे बैठो। तो गाइज आज की वीडियो में जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ में, वो कैसे प्रिपेयर करना है, आपको ऑयल कैसे प्रिपेयर करना है वो देख लेते हैं। आप लोग का मैसेज आया था कि दीदी आपकी 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही है, क्या हुआ है, लाडो वीडियो नहीं बनाने देती है आजकल, बड़ी हो रही है ना ये, तो परेशान बहुत करती है, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं परेशान हो जाती है। और ये वीडियो मेरी कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, मैं आप लोग के साथ में एज अ फैमिली अपनी हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग उस वे में मत जाइएगा कि आप कैसे भी बैठ करके वीडियो बना देती हैं। तो गाइज आप लोग से एक्सट्रीमली मैं यहाँ पर सॉरी बोलना चाहूँगी कि देखिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए, अभी थोड़ा सा कुछ टाइम लगेगा जब तक लाडो जो है ना 1 ईयर की ना हो जाए, ठीक है। मेरे पास में कोई नहीं है इसको जो हैंडल करे, और कृष्णा गया है ट्यूशन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऑयल को कैसे प्रिपेयर करना है। आप लोग मुझे एक फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट कीजिए और फैमिली मेम्बर की तरह ही देखिए, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑयल कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बाद में मिलते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर ऑयल प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए एक जार, उसमें हम डालेंगे रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी लीव्स आप ड्राई ले लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया इनके रिजल्ट हैं। आप इसका टोनर भी बनाकर यूज़ करेंगे तो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप एक बार करिएगा। करने से ही होता है, बिना किए देखिए कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे ऐसी फैमिली मेम्बर्स हैं हमारी, तो वो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, सभी लोगों को रिजल्ट आ रहा है। फैमिली मीन्स कि यहाँ पर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, जो लोग मुझे वॉच करते हैं। यहाँ पर मैं बेस ऑयल में डालूंगी तिल का तेल, यहाँ पर कपिवा का ब्रांड मैं यूज कर रही हूँ तिल का तेल। उसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे आपका ब्लैक कैस्टर ऑयल। ब्लैक कैस्टर ऑयल बहुत बढ़िया है ये, आप लोग यूज कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट है। मेरी लाडो की आईलैश और ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, मेरे बेटे के भी बालों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। बट ये वहां पर वर्क करेगा जहां पर आप मेकअप ना करें, मतलब मस्कारा वगैरह ना लगाएं, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। क्योंकि देखिए अगर आप मस्कारा लगाएंगे तो केमिकल वाला प्रोडक्ट होता है, तो वो आपके बालों, आपके जो लैशेज हैं उसमें ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि हमें ना इसको लगा करके स्टे करवाना है अपने स्कैल्प पे, अपनी आईलैश पे, जहां पे भी आप लगा। नेक्स्ट मैंने इसमें डाला है बादाम का तेल, जो कि हमारे जड़ों को मजबूत करेगा, बालों को बीच से टूटने से बचाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपना डबल ब्रॉलर प्रोसेस से अपना हेयर ऑयल। तो इसको मैंने ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लिया है, पीसने के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इसको डबल ब्रॉयलर मेथड से हम लोग को हीट करना है 10 से 5 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे करना है। आप यहाँ पर लो फ्लेम पे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लो फ्लेम पे 8 मिनट के लिए पकाया था। गाइज़ ये जो तेल मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये ऑयल। आप लोग एक बार बनाकर यूज़ करना। मैम को जिनको मैंने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि सीमा जी मुझे ये जो ऑयल है ना, रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे आए हैं, धीरे धीरे सही, बट हाँ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। उन्होंने 3 महीने की मेरी मेंबरशिप ली हुई है, ठीक है, तो उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। उन्होंने बोला कि मैं इसको 3 महीने कंटिन्यू करूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी जो मुझे ऑयल अच्छा लगेगा, जो आप बताएंगी वो। तो क्या होता है ना गाइज, मेंबरशिप में स्टेप बाइज काम किया जाता है, आपको एक ऑयल बताया जाता है जो 3 महीने चलता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। बट अगर आपको रिजल्ट दे रहा है कोई चीज़, तो इसमें आपकी ही समझदारी होनी चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ से रिजल्ट मिल रहा है तो उसको आप एटलीस्ट कम से कम 3 महीने फॉलो करें। अपना नाइट हेयर पैक है, शैम्पू है, हेयर पैक है, सीरम है, टॉनिक है, रिंस वाटर है, टोनर है, ये आप चेंज कर लीजिए, बट ऑयल को एक ही आप यूज़ कीजिए 3 महीने लगातार, फिर आप चेंज कीजिए। जो आपको ऑयल सूट कर जाता है, अपना 4 से 5 ऐसा ऑयल बना लीजिए जो कि आपको सूट करे अच्छे से, और आप आँख मूंद करके उस ऑयल को प्रिपेयर कर सकें। कहीं जाना हो तो आप अपना प्रिपेयर करके रख लें और उसको बना करके यूज़ करें। देखिए ये जो ऑयल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ना, इनकी लाइफ बहुत होती है, बस इसमें पानी का कतरा नहीं जाना चाहिए, बाकी आपका जो ऑयल है ना ख़राब नहीं होता है, काफ़ी लंबे समय तक स्टे करता है, आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे देता है, ठीक है। तो मैं आप लोग के साथ में कल की वीडियो में शेयर करूंगी बहुत ही बढ़िया सेज का एक ऐसा नाइट हेयर पैक, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, जब आप उसको लगाएंगे तो आपके बालों में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा, थिकनेस बहुत अच्छी आएगी, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। वो बहुत गजब का नाइट हेयर पैक है, बहुत सारी चीज़ों से नहीं बनेगा, सिर्फ आपको एलोवेरा जेल, सेज लीव्स लेना है, और एसेंशियल ऑयल में कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, और मार्केट का पतंजलि का एलोवेरा जेल आप लोग ज़रूर ले लीजिए, वो बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। आप लोग बोल रहे थे दीदी स्किन केयर रूटीन भी शेयर करा करो, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ मैं नेक्स्ट मंथ से शेयर करूँ। बहुत टाइम से कह भी रही हूँ बट नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि ना लाडो भी बहुत छोटी है, और वो कब रोने लगे कब हंसने लगे कुछ पता नहीं रहता है। वो मुझे देखती तो छुप रहती है, फिर वो कहती है गोदी ले लो गोदी ले, मतलब बच्चा ना अजीब सा करता है। दूसरी चीज़ ये कि व्लॉग भी आएगा, जिन लोगों ने मेरे व्लॉग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप लोग को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती
तो वीडियो से हेल्प मिल रही है, थोड़ा बहुत भी मैंने आप लोग के लिए कुछ किया है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को आने वाली वीडियोज़ जो हैं हमारी पहले से ही नोटिफिकेशन में पता लग जाए। ठीक है, तो ब्लॉग चैनल है हमारा सीमा ब्लॉग से, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो मैंने आज का भी ब्लॉग शूट किया हुआ है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी आप लोग के साथ में अपलोड कर दूँगी बहुत जल्दी, तो आप लोग उसको भी देखिएगा किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ अपने घर को, बच्चों को, और आप लोग के साथ में प्रोडक्ट्स हैं, मेंबरशिप है, वीडियो कंसल्टेशन है, यूट्यूब है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा ऑयल है ना, वो धीरे धीरे पक रहा है। अब आप लोग यहाँ पर सुन रहे होंगे थोड़ी बहुत पुछ पुछ की आवाज़ आ रही है, तो वो ना लड़ो कुछ खेल रही है, इस वजह से आवाज़ आ रही है, तो आप लोग ना थोड़ा सा उस चीज़ के लिए इग्नोर कीजिएगा कि मतलब दीदी ऐसी आवाज़ आती वैसी आवाज़ आती, क्योंकि ना देखो बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ गाइज़, मुझे आप लोग के साथ में रेमेडीज भी शेयर करनी होती है। अभी दो दिन से इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि ना लाडो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो बस इसलिए। आप देख सकते हैं हमारा जो तेल है ना बिल्कुल हल्का हो गया है, मतलब पक करके वो बिल्कुल हल्का हो चुका है, पहले बहुत गाढ़ा था, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो बस हमें इसको छान लेना है, छानने के बाद से हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें, तो वो मैं आप लोग को बताऊँगी। तो अब यहाँ पर तेल को हम लोग स्टेनर की हेल्प से छान लेंगे, छानने के बाद से आप इसमें जो चीज़ें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल में मैं सिर्फ और सिर्फ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल ऐड करूँगी, जो कि बहुत ही बढ़िया रहता है, लेंथ भी इंक्रीज़ करता है, बालों को लंबा और घना बनाता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर रोज़मेरी आपका ऑयल प्रिपेयर किया है, तो रोज़मेरी आपके जड़ से बालों को उगाने में हेल्प करेगा, और जो लेवेंडर है हमारा वो बालों की लेंथ को इंक्रीज़ करेगा, तो इससे हमारे बालों की थिकनेस भी होगी और बालों की जो समस्या है, हल्केपन बाल हैं आपके, हल्के बाल हैं, उनको घनापन मिलेगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 100 पालमेटो एसेंशियल ऑयल, ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा बट बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। आपको 20 से 25 ड्रॉप्स के करीब डालना है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था, तो आप केवल 10 बूंद ही डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ जोजोबा। जोजोबा ऑयल उन लोगों के लिए भी बेस्ट होता है जिनके बाल में ऑयल है, कोई भी चीज़ अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो उनके लिए लाइट वेट ऑयल होता है, जैसे जोजोबा हो गया, आर्गन ऑयल हो गया, ग्रेप सीड ऑयल हो गया, आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। ठीक है, लास्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। तो अभी यहाँ पर मैंने लेवेंडर की 30 ड्रॉप्स के करीब डाली, अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लीजिए, एयरटाइट कंटेनर में इसको 1 महीने के लिए स्टोर किया जा सकता है, साफ़ सुथरे बालों पर 2 दिन लगाएं, 3रे दिन हेयर वॉश जरूर करें। सो गाइस, देखा आपने हमारा जो ऑयल है वो बनकर के रेडी हो चुका है। दूसरी चीज़ ये कि अभी मैं आप लोगों से यही टॉपिक पे डिस्कस कर रही थी कि आप कोई चीज़ अगर यूज़ कर रहे हो उसको अगर आप छोड़ देते हो तो आपके बाल फिर से वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि हमने उस चीज़ को बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत से करके पाया है, तो आप उन चीज़ों को छोड़ोगे तो आपके बाल खराब होंगे ही, है ना। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनको आप कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपकी शादी है, फंक्शन है, तो आप कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दीजिए, बट अपना ऑयल कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर आप मेहनत करते हो तो आपके बाल जो है ना बहुत हेल्दी हो जाते हैं, और ये कोई गलत चीज़ नहीं मैं आपको बता रही हूँ, सही चीज़ बता रही हूँ, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, किस चीज़ को, मेरी रेमेडीज़ को, या चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, या फिर आप कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑयल बनाइए, जो इसका रिजल्ट आए, जो भी इसका फीडबैक आए, शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपको फर्क लगता है तो भी, नहीं लगता है तो भी, तो इसमें और भी चीज़ें ऐड करके इस चीज़ को ऐसा बनाया जाएगा कि आप लोगों को और ज़्यादा हेल्प हो सके। कल की वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से नाइट हेयर पैक के साथ में, तो आप लोग के साथ नाइट हेयर पैक कल शेयर करूंगी, तो उसके लिए आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा कि मैं आप लोग के साथ में कल की वीडियो में नाइट हेयर पैक जरूर शेयर करूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, बाय।